आया, जो भी बहरहाल बोलते लोग, नजरे बद सबका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत के अंदर है। ठीक है, आइए दूसरे सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा की क्या फजीलत है इसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ये बड़ी मशहूर मारूफ सूरत है, कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। हदीस के अंदर इसकी फजीलत में जो आता है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिस घर में सूरतुल बकरा तिलावत होती है इस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। मैं यकीनन हदीस के कंप्लीट वर्डिंग्स नहीं रखूंगा क्योंकि हमें काफ़ी सूरतों की फजीलत देखना है, बस सरसरी तौर से बयान करता जाऊंगा, कोई देखना चाहे तो तफसीलात देख सकता है। तो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है, याद रखिए। इसी तरह सूरतुल बकरा के ताल्लुक